साथियों नमस्कार, मैं स्वामी रामशंकर इस समय कुंभ 2019 से बात कर रहा हूँ फेसबुक लाइव में। आपको पता है यहाँ इस वर्ष का कुंभ जो है बहुत ही अद्भुत आयोजित हुआ है। देश और दुनिया भर के लोग आते हैं। अक्सर देखा जाता है जहाँ भक्ति के प्रोग्राम होते हैं, भक्ति के आयोजन होते हैं, वहाँ पर बूढ़े बुजुर्ग लोग बहुत मेच्योर लोग होते हैं, पर जब जवान वहाँ दिखने लगे तो ये बहुत खुशी की बात है। लोग कहते हैं भक्ति भजन बुढ़ापे की उम्र की चीज़ है, बुढ़ापे में करने वाली चीज़ है, बल्कि ये गलत बात है। हमारे साथ कुछ यंग चेहरे हैं, मैं चाहूँगा उनसे बात करूँ और उनको बताऊँ कि ये कुंभ उनकी नज़र में किस तरह का उनके लिए अनुभव दे रहा है। नमस्ते सर, मुझे कुंभ में बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे लगता है लोगों को आना चाहिए, नहाने के लिए यहाँ पे आना चाहिए। आपको लग रहा है कि जो एक ये कुंभ का आयोजन है उसको ट्रेडिशनली चीजों में बांध दिया गया था, आज ये बहुत ही बड़े फलक पर ब्रॉड, यस मुझे ये फील हो रहा है इस बार कि हाँ बहुत ही ज्यादा ब्रॉड लेवल पे। केवल भक्ति से ये कुंभ जो है सीमित नहीं है, ये जो है आपको रोजगार दे रहा है, पाद के लिए लगे हुए लोग यहाँ से खरीद रहे हैं चीजें, तो हमारी कंट्री का नाम भी तो हो रहा है। आपके लिए कितना खास रहा? बहुत खास है, मतलब हर बार ज्यादा, इस बार कोशिश की कि बहुत अच्छा है, इस बार तो बहुत ज्यादा ही अच्छा है। अब ये बताइए, किसी साधु संत से डिस्कशन आपने किया, कन्वर्सेशन किया? नहीं, कभी मिला नहीं, मौका नहीं मिला। यही वो वजह है जिसे मैं खत्म करना चाहता हूँ। हम एक ऐसे फ्रेम में रहते हैं कि कई बार हम हेजिटेट कि उनके पास जाने से हमको अटेंशन मिले। प्लीज आइए कैमरे में आइए, आप भागिए मत। आप सब लोग मुझे बताइए कि आपका, आप खुद भी जवान हैं, चश्मा लगाने से कोई मजा नहीं होता है, ये बताइए कि आपका अनुभव कुंभ को लेकर क्या है? अरे अच्छा अच्छा है, दिया जा रहा है और इससे बेरोजगारी जो है दूर होगी और रोजगार इससे मिल रहा है। बहुत सारी संस्थाएं चलाई जा रही हैं जिससे कि बढ़ रहा है, उसमें सकारात्मक आने का चांस दिख रहा है, आस्थाएं बढ़ रही हैं। आपके उस खोखलेपन को दूर करता है, आपको भीतर से मजबूत देता है कि जब प्रतिकूल परिस्थिति आपकी जिंदगी में आए तो उस समय आपके पर भी कुछ यूथ हमारे साथ बात करेंगे। केवल हम जवान लोगों से बात करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, स्टेशन को स्टार्ट किए फेसबुक लाइव में। आपका नाम क्या है? प्रियांशु, कुंभ इससे पहले कभी आए कि पहली बार आए? पहली बार आया था, पर अच्छा मिला। उधर देखिए, हमने देखा कि प्रयोग कर रहे हैं जल। कुंभ एक ऐसा जगह है जहां पर आप जीवंत देखते हैं कि भारत के अलग अलग प्रांतों में जो भारत की संस्कृति है, जो जीवन शैली है, जो वहाँ के अपने ट्रेडिशन है, वो सब यहाँ आपको देखने को मिलता है। कुंभ जो है कहीं न कहीं अंतर्राष्ट्रीय फलक पर भारत के सांस्कृतिक विरासत, आध्यात्मिक विरासत को स्थापित करने में बहुत ही सार्थक कारगर साबित होगा। मेरा नाम स्वामी रामशंकर है और सोशल मीडिया पे जो मेरा काम करने का तौर तरीका है उसके कारण से लोग हमको डिजिटल बाबा कहते हैं। जन्म गोरखपुर के पास एक देवरिया जिला है, वहाँ मेरा जन्म हुआ और पढ़ाई लिखाई सारी गोरखपुर में हुई। बीकॉम करने के बाद संन्यास लिया, वर्तमान में हिमाचल का एक हिल स्टेशन है बैजनाथ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर रह करके अपनी साधना आध्यात्मिक जो अपनी यात्रा है उसको जारी किए हैं। बीच बीच में जब मुझे मौका मिलता है, जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि युवा बहुत भारी संख्या में उपलब्ध मिलेंगे मुझे, वहाँ जाते हैं और उनसे इंटरेक्ट करते हैं। नहीं, घर को याद करने की बात करें तो याद मुझे घर का नहीं आता, लेकिन मेरी माँ मुझे बहुत याद करती हैं, तो इस वजह से साल में एक बार दो बार जब जब हमको अवसर मिलता है तो माँ के पास जाते हैं, उनके साथ रहते हैं और एक जैसा बच्चा रहता है अपने घर में वैसे ही रहते हैं। भारत को पूरे दुनिया में विश्वगुरु कहा जाता रहा, लेकिन जो भारत की युवा है आध्यात्म को लेकर के जो उसकी समझ है बहुत बहुत हल्की है, बहुत छिछली है। तो मेरी कोशिश है कि युवा पीढ़ी को मैं समझा सकूं कि भारत की जो विरासत, सांस्कृतिक आध्यात्मिक विरासत, वो जाने, उस पर गर्व करे और कहीं ना कहीं उसे अपने जीवन का एक हिस्सा बनाए। कुंभ को लेकर के उसके मन में पहले क्या धारणा थी, कुंभ में जब वो आ चुका उसके बाद उसका अनुभव क्या रहा, धर्म से जुड़े जो ग्रंथ हैं उनको वो कितना समझता है, जीवन में वो कितना उसको अमल में लाता है, ये तमाम पहलू पर हम बात करते हैं और कोशिश होती है कि धर्म के बियॉन्ड जा कर के हम इंसानियत का पाठ पढ़ें, सीखें और समाज में कैसे समरसता भाईचारा बना रहे, उस स्थिति में रहकर जिंदगी जीते हुए समाज में एक बेहतर नागरिक बने और लोगों को सुख पहुंचाएं। फेसबुक पर लगातार हमसे लोग जुड़ रहे हैं, बातें कर रहे हैं, यूट्यूब पे हमारे वीडियोस को देखा जाता है काफ़ी संख्या में, कुछ वीडियो वायरल भी हो जाते हैं। तो युवाओं को लगता है कि एक ऐसा हमारे बीच में हमारी उम्र का नौजवान साधु है
जो हमारी तरह सोच रहा है, हमारी तरह से पहन रहा है, हमारी तरह से बोल रहा है। अपने मेंटल अप्रोच में जब आपको बातें कहीं से सुनने समझने को मिलती है तो आपको अच्छा लगता है और ज़्यादा वो कम्युनिकेबल होता है। मेरी कोशिश है कि हम भक्ति करें, धर्म से जुड़े रहें, लेकिन कठोर और क्रूर न हो। दूसरी बात, अंधभक्ति को हमें बार बार लोगों से अपील करता हूँ, मत करिए। साधु संतों के जीवन में जो ज्ञान है वो आप ही के लिए है, आपको उसका लाभ मिलेगा। लेकिन ये है कि जब हम आंखें बंद करके बिना सोचे समझे किसी के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, वहाँ तक दिक्कत नहीं है। लेकिन जब उस व्यक्ति के पीछे चलना शुरू करते हैं और बाद में हम उनके व्यवहार से आहत होते हैं तो आरोप करते हैं कि पूरा समाज गलत है। पूरा समाज कभी गलत नहीं होता है। हर समाज में, हर वर्ग में, हर प्रोफेशन में कुछ लोग होते हैं जो प्योर नहीं होते, और उनके प्योर न होने से उस समाज में, उस वर्ग की छवि धूमिल होती है। कम्युनिकेशन का जो सबसे सशक्त माध्यम इस सदी में है वो है सोशल मीडिया, वो है वेबसाइट, इंटरनेट। उसी माध्यम का इस्तेमाल करके, प्रयोग करके हम शास्त्रों की बातों को, जीवन के जो मूल्य हैं, जो प्रेरक प्रसंग हैं, जिससे हमें ऊर्जा मिल रही है, सकारात्मक हमें क्षमता हमारे भीतर विकसित हो, उन बातों को हम वीडियो फॉर्मेट में और राइटिंग फॉर्मेट में शेयर करते हैं। और इसके लिए मैं किसी दूसरे व्यक्ति का सहारा नहीं लेता, हर काम को मैं खुद करता हूँ। जैसे वीडियो शूटिंग की बात करें तो मैं ट्राईपॉड पे मोबाइल का सहारा लेकर विजुअल बनाता हूँ, फेसबुक लाइव करता हूँ, मेरे पास एक मैक है तो उसमें हम एडिट भी कर लेते हैं, अपलोड कर लेते हैं। तो टेक्निकली अगर बात करें तो जिन जिन इक्विपमेंट को इस्तेमाल करने की बात हो या उनका उपयोग करने की कला की बात हो, वो सब मुझे आता है। तो ये सारा चीज़ देख करके लोगों को अजूबा लगता है कि एक ऐसा साधु जो पुराने परंपराओं में सिमटा है, मठ मंदिरों में अपनी ज़िंदगी को बांध करके रखा है, ऐसे में कोई तो है जो समाज के बीच में आ रहा है, उठ रहा है, बात कर रहा है, लोगों से जुड़ रहा है। बिल्कुल, मेरे वीडियो को वक्त नहीं लगता। जहाँ इंटरनेट एक्सेस मिलता है वहाँ तो हम लाइव मोड में आ जाते हैं, जहाँ इंटरनेट वीक होता है वहाँ हम वीडियो उसको शूट करके और फिर एडिट करके कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी उसको अपलोड कर दें। क्योंकि आजकल इतना फास्ट कम्युनिकेशन हो गया कि अगर आप लेट कर रहे हैं तो मतलब आप अपनी बातों को पहुंचाने में फेल हो रहे हैं। मैं करीब 8:30 से 9 बजे के बीच में मेला परिसर में आ जाता हूं और रात को 9:30 बजे तक परिसर के अंदर अलग अलग लोकेशंस में जाता हूं। कुछ प्लान करके नहीं रखा हूं, जहां से मुझे कोई क्लू मिल जाता है कि इस लोकेशन में जाना है, या एक बहते हुए गंगा की धारा की तरह मैं भी टहल रहा हूं, जहां जहां मुझे लगता है कि हाँ ये विषय ऐसा है जिसको साझा करना चाहिए, लोगों से संवाद करना चाहिए, उन विषयों को मैं उठाता हूँ और लाइव के ज़रिए लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ।